अदाकारा शहनाज गिल के पिता संतोष सिंह गिल को पाकिस्तान से आई धमकी मिलने के मामले में नया मोड़ आ गया है। दरअसल अदाकारा के पिता ने पुलिस सुरक्षा लेने के लिए पाकिस्तान से धमकी मिलने का ड्रामा रचा है और इस मामले में बाबा बकाला के डीएसपी का बयान भी सामने आया है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि संतोष सिंह गिल ने पहले भी पुलिस सुरक्षा का दुरुपयोग किया है। आज मैं एक वायरल ऑडियो वेखी जो कि सरदार संतोष सिंह गिल वालों पाई गई है। इस ऑडियो विच उन्हां वालों कहा गया है कि उन्हां नूं खतरा है, उन्हां नूं थ्रेट कॉल आई है ते 50 लाख रुपए फिरौती की मांग की गई है। सरदार संतोष सिंह गिल के खिलाफ 7-8 क्रिमिनल मुकदमे दर्ज हैं, परंतु फिर भी इन्हां नूं पंजाब पुलिस वालों सुरक्षा मुहैया की गई है, क्योंकि यह किसी संस्था के चेयरमैन हैं अतो इन्हां नूं सुरक्षा मिली हुई है, परंतु चैकिंग दौरान इन्हां वालों अपनी सुरक्षा की दुरवरतों की गई, जिसनों यही दुरवरतों करने तो वरत्या गया, जिस कारण इन्हां वालों सोशल मीडिया से पोस्ट पा के लोगों नूं गुमराह किया गया। इस विच कोई सच्चाई नहीं है। इन्हां दी कंप्लेंट की असीं तस्दीक कर रहे हैं जो अजे विचाराधीन है और जल्दी ही तस्दीक हो जाएगी। तस्दीक उपरंत बनती कानूनी कार्रवाई अमल में ला दी जाएगी। आपको बता दें कि बीते दिन अदाकारा शहनाज गिल के पिता संतोष सिंह गिल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल करने का दावा किया था कि उन्हें एक विदेशी नंबर से धमकी भरी कॉल आई थी और उनसे 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है। और साथ ही उनका ये भी कहना था कि उक्त व्यक्ति ने ये भी कहा है कि अगर उसे पैसे नहीं दिए गए तो पहले उसकी बेटी शहनाज गिल और फिर उसके बाद उसको मार दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।